अच्छा मौसम है ना? वो रास्ता मालूम है कहाँ जाता है? तुम्हें नहीं मालूम, वो हमारे प्यार की मंजिल की ओर जाता है। वहाँ देखो, बड़ा लवली हाउस। हम भी ऐसे ही घर बनाएंगे। इससे भी अच्छा। कितना प्यारा है ना? ठीक ठाक है। गौतम धीरे चलाओ ना प्लीज। और कितना धीरे? ओहो, अब क्या हुआ? आरती, अगर मैं तुम्हारे कहने से ना इस तरह धीरे चलने लगा तो भूल जाओ। अरे भूल जाओ कि रात तक हम इस बिलासपुर में पहुंच पाएंगे। ओहो, जनाब को इतनी जल्दी क्यों है पहुंचने की? जनाब को जल्दी इस बात की है क्योंकि वहां पहुंच के इस मैडम से शादी जो करनी है। जल्दी का काम तो शैतान का काम होता है। अच्छा, पर गौतम मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। गौतम, पर ये डर किस बात का? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यही कि हम लोग भाग के शादी करें गौतम, जब डैडी को पता चलेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आरती, ये प्रॉब्लम उनके लिए है, हमारे लिए नहीं। अरे अगर हमारे पेरेंट्स अपनी मर्जी से हमारी शादी करते तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह भाग के शादी करने की कोई जरूरत थी। और डोंट वरी यार, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आई नो गौतम, पर वैसे इंतजाम तो पूरा है ना? आरती, तुम्हें भी ना ये बेकार की टेंशन लेने की आदत है। वहाँ पर पूरा इंतजाम हो चुका है और वो अंशु और कविता भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने पंडित और मंडप का पूरा बंदोबस्त कर रखा है, बस अब हमारे वहाँ पहुँचने की देर है। डैम, आरती आगे तो रास्ते ही बंद है यार। अब क्या होगा गौतम? होना क्या है यार, वी आर स्टक डैम इट। ओह नो, अगर रात तक हम नहीं पहुंचे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसे भी मुझे डर लग रहा है कहीं डैडी के आदमी हमारा पीछा ना कर रहे हो। गौतम, गौतम क्या सोच रहे हो? गौतम डू समथिंग। डोंट वरी आरती, डोंट वरी। पीछे मैंने एक रास्ता देखा है, शायद वो कहीं निकल पड़े। और अगर रास्ता कहीं और ही निकल गया तो? तो क्या, वैसे भी इस रास्ते को खुलने में 3-4 घंटे लग जाएंगे। तब तक हम वहाँ ट्राई मार लेते हैं। अगर वहाँ कोई रास्ता निकल गया तो हम निकल पड़ेंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे। ओके ओके। गौतम, मुझे तो ये जगह कुछ अलग सी लग रही है। गौतम, believe it or not, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। ओह शी, कम ऑन आरती, इस मई के महीने में तुम्हें सर्दी लग रही है? क्या बात कर रही हो? है ना? सर्दी तो मुझे भी लग रही है, पर हाउ इज इट पॉसिबल यार कि इस मई के महीने में और ये ठंड? ये क्या हो रहा है गौतम? आई थिंक कोई पासिंग झोंका होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज यहाँ से चलो ना गौतम। ओके ओके आरती, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? ओहो, अब ये नई मुसीबत। डैम इट, मुझे लगता है शायद इंजन में कोई प्रॉब्लम होगी। तुम गाड़ी से उतरो, फिर मैं चेक करता हूँ। ओके
ओह शिट, इसमें तो यार पानी है ही नहीं आरती। गौतम, ट्रस्ट यू टू डू समथिंग लाइक दिस। मैंने पानी अपने हाथों से भरा था, अब ये नई मुसीबत। खैर, पीछे पानी का कैन रखा हुआ है, जरा पास करोगी? ओके। ये तो खाली है गौतम। क्या खाली है? क्यों मजाक कर रही हो आरती? मैंने तो खुद अपने हाथों से भरा था। क्या है ये? ओ शिट, इसमें तो सच में पानी नहीं है यार। अपने इस भुलक्कड़पन में तुम हमारी शादी मत भूल जाना गौतम। डोंट बी सिली आरती, मुझे सोचने तो दो। क्या करे गौतम, कुछ पानी की आवाज आ रही है, लगता है कोई झरना या नदी होगी आसपास। ओके, तुम यही वेट करो, मैं पानी लेकर आता हूँ, ठीक है? यही वेट करो ताकि हॉरर फिल्म की हीरोइन की तरह मुझे कोई भूत उठा के ले जाए। ओके, कम ऑन। चलो। वो पानी रहा, ध्यान से संभल के। लाश के पास कोई जानवर के निशान मिले? दूर दूर तक कोई निशान नहीं है सर, और ये काम तो कोई जानवर कर ही नहीं सकता। पर बहुत ही भयानक मौत है सर। हाँ, पूरा जिस्म बिल्कुल साबुत, अनछुआ, और लाश की गर्दन पूरी तरह उल्टी तरफ मुड़ी हुई, और वो भी इतनी सफाई के साथ कि जैसे किसी ने बोतल का ढक्कन घुमाकर खोला हो। ना कोई स्ट्रगल, ना खून, ना दाग। सर, वहां पर पास एक आदमी के नंगे पांव के निशान मिलते हैं। हाँ, ये कहीं उस लड़के गौतम के तो नहीं? नो सर, किसी और के निशान है जो थोड़ी दूर जाकर अचानक गायब हो जाते हैं। पर वेरी स्ट्रेंज केस, वेरी ऑड। उस लड़के क्या हाल है? पागलपन की हालत में है सर, कोई बयान नहीं ले सकते। अच्छा, कहाँ है अभी? एम्बुलेंस में है सर। रुक
जा आरती, आरती उसके पास मत जा, मत जा उसके पास आरती, वो तुझे मार डालेगा, मार डालेगा वो तुझे, वो मार डालेगा तुझे, मत जा उसके पास आरती, वो तुझे मार डालेगा। डॉक्टर, वो मार डालेगा तुझे। हेलो, ये किसकी बात कर रहा है? पता नहीं कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। ऐसा सदमा खाया इंसान मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। डॉक्टर, इसने कहीं किसी चोर डाकू या फिर किसी जंगली जानवर को तो नहीं देखा? वो छोड़ने वाला नहीं है तुझे। नहीं लगता है शायद इसने इससे भी भयानक कोई चीज देखी है। आई थिंक दिस केस इज वेरी सीरियस। ओ या, वो मार देगा। तुम इसे मामूली बात समझते हो इंदर? अरे आरती और गौतम हमारे ही कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। गॉड, व्हाट अ शॉक। परनिशा, किसने कहा था उन्हें घर से भागने के लिए? बच्चू, प्यार के मामले में ना चूहे भी शेर बन जाते। हमारा रफीक मियां, तुम इन प्यार वार के चक्करों में नहीं पड़ो तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हें तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है ना कि तुम्हारा दिल कमजोर है। हे, डोंट बी सो मीन विजय, ही हैज अ जेन्युइन हार्ट प्रॉब्लम। पर जो भी हो, It is a real tragic incident. अरे पर जरा सोचो तो कि वहाँ क्या हुआ होगा। काला अंधेरा जंगल, रात का सन्नाटा, और गौतम और आरती बिल्कुल अकेले। अगर तुम वहाँ होती ना तो बिना किसी के आही मर जाती। अब जाजा बात करता है। डर तो तुम भी जाते हैं ऐसी जगह पे। ऐसी जगहों पे तो मेरा बचपन गुजरा है। देखता है। बचपन निकला है, यहाँ बैठ के बातें करना बहुत आसान है। हिम्मत है ना तो वहाँ चलकर एक रात बिताकर दिखा दे मुझे। और नहीं तो क्या? क्यों डर गया? पर मुझे मिलेगा क्या? चलिए घड़ी है ना, मैं दांव पर लगाता हूँ। It's a bit done. Why don't we all go? हाँ यार, पिकनिक की पिकनिक हो जाएगी ना बाबा, क्या हो गया तुम लोगों को? ए, एक नंबर की डरपोक है ये, मत लेके जाना इसको। ए, जाना जा चल। Come on, निशा. Just for the thrill of it. बड़ा मजा आएगा। शाम को जाएंगे और सुबह तक वापस, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और क्या पता कि हम आरती का केस भी सॉल्व कर पाए, जस्ट लाइक फेमस फाइव। Yes! Come on, guys and girls. Come on, let's go. Fast. अरे भाई क्या हुआ गाड़ी को? सब इंजन डाउन करना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा? 2-3 दिन लग जाएंगे। 2-3 दिन? हाँ साहब। अरे भाई मैं 2-3 दिन गाड़ी के बगैर गुजारा कैसे करूंगा? सर आप ये दूसरी गाड़ी ले जाइए। पर ये तो टैक्सी है। ये भी अपनी है साहब। अच्छा तो ठीक है, तुम बहुत बढ़िया से करना है। जरा सुनना। देखो भाई, तुम लोगों का इस जंगल में आना जाना तो होता होगा। जी साहब, इस गांव की आधी आमदनी जंगल की लकड़ी से ही तो चलती है। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों ने इस जंगल में कहीं कोई अजीब सी बात देखी? बात तो बहुत सुनते हैं साहब कि जंगल में साया है, प्रेत घूमते रहते हैं, मगर आज तक इन आंखों ने कुछ देखा नहीं। लेकिन किसी ने कुछ तो देखा होगा, नहीं तो ये बातें कैसे फैलती? ये बात तो हमारे बुजुर्गों के वक्त से फैल रही है साहिब, तभी तो आज तक रात के वक्त इस जंगल में कोई नहीं जाता, भला कौन मुसीबत लेना पसंद करेगा। और एक बात कहूं साहिब, आप भी इस इलाका से दूर रहना, बड़ा भयानक इलाका है ये। अच्छा ये बताओ कि तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसने आखिरी बार इस जंगल में कुछ देखा हो? हाँ, रामदीन। रामदीन? पर साहब आप उस जगह के बारे में क्यों पूछ रहे हैं?
अरे तुझे मालूम है, वहां दो दिन पहले कत्ल हो गया। इस जंगल में वही एक ऐसा इलाका है साहब, जहां कत्ल तो क्या, कुछ भी हो सकता है। अच्छा ये बता, तूने वहां देखा क्या था? मत पूछो साहब, सोचकर रोंगटे खड़े होते हैं। एक रात में वहां से आ रहा था कि अचानक एक पेड़ पर मैंने कोई चीज बैठी देखी। वो आदमी था क्या? नहीं नहीं साहब, आदमी से बहुत बड़ा, एक काला गहरा साया और उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें। जरूर कोई जानवर होगा। नहीं नहीं साहब, वो आंखें जरूर किसी शैतान की थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, उसने मुझे पुकारा, यहाँ आओ। और मैं सर पर पांव रख कर ऐसा भागा कि आज के दिन तक मैं वहां लौटकर वापस नहीं गया। तुझे कहीं पीने वीने की आदत तो नहीं है? नहीं नहीं साहब, मैं तो पूरे होशो हवास में था। लो हो गया साहब। इस गांव के लोग भी किसी में विश्वास में रहते हैं, न जाने कब इनके होश ठिकाने आएंगे। पेड़ पर बैठा साया। बेटा यहां कुछ भी हो सकता है। तुम क्यों इस जंगली इलाके की छानबीन कर रहे हो? बाबा मैं यहां हुए खून की तहकीकात कर रहा हूं। मत करो, जो हो गया उसे भूल जाओ, ये इलाका बड़ा ही भयानक है। पर बाबा मुझे तो अपना काम करना ही होगा ना। ठीक है, ये तावीज अपने पास रख। मैं जानता हूं कि तुम जैसे नौजवान ऐसे तावीजों पर विश्वास नहीं करते, मगर याद रख, इस तावीज में बड़ी शक्ति है। ये जब तक तेरे पास रहेगा, इस जंगल की प्रेत आत्मा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और सुन, सूरज ढल जाने के बाद इस जंगल में किसी व्यक्ति पर विश्वास मत करना, चाहे वो औरत हो या मर्द। ठीक है बाबा। जा, चला जा, भगवान तेरी रक्षा करेगा। यार
यस, ये वही जगह होगी और ये वही रास्ता है जो अंदर तक जाता होगा। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? अखबार में लिखा था यार कि ये मोड़ ठीक एक पुल के बाद आता है। राइट। पुल पीछे रह गया, इसका मतलब ये रास्ता वही है। वही है। राइट। ओके, कम ऑन, लेट्स गो। लेट्स गो, चलो। अभी स्टार्ट करना है यार। क्या हो रहा है ये? तू और ये तेरी खटारा जीप है ना, कभी स्टार्ट नहीं होती। खटारा। काम करते हैं, पैदल चलो। हाँ ठीक है, लेट्स गो, चलो, यस, चलो। शिट मैन। ए यहाँ पर। ए यस। क्या हुआ यार? मुझे तो अचानक यहाँ सर्दी लगने लग गई है। ओ मिस्टर कमजोर दिल, तुझे तो ना 12 महीने कम्बल लेके घूमना चाहिए। नहीं विजय, सीरियसली, तूने तो जैकेट पहनी हुई है। सचमुच सर्दी हो रही है यार। यार मुझे भी लग रही है, शायद इन जंगलों में ऐसा ही हो तो। हाँ। Hey, अरे जल्दी करो ना यार। चलो चलो यार, चलो चलो। हे वेट, क्या बात है? तुमने कुछ आवाज सुनी क्या? अरे भेड़ियों की आवाज यार। ओ हाँ, शहर में सुनने को कहाँ मिलती है? हाँ यार। हाँ यार सही है। ए थैंक गॉड, ये तुम्हें वहां से भी भाग जाती है। गाइस होल्ड, हाउ वी गॉट टू गो बैक नाउ? हाँ यार, अरे यार ये तो हमने सोचा ही नहीं। तू और ये तेरी खटारा जीप, इसे उठाकर खाड में फेंक क्यों नहीं देता तू? अरे मुझे नहीं पता यार, पहले भी तो तुम लोग मेरे साथ घूमे हो ना जीप में, अब जीप खराब हो जाएगी क्या तुम मुझे गालियां दोगे? मुझे नहीं पता, मुझे घर जाना है अभी मम्मी के पास। यार कम से कम इन लड़कियों का तो सोचा होता, ये हमारे साथ आई है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आई। कहाँ जाएंगे हम, क्या करेंगे? इतनी घनी रात, घना जंगल और ये सन्नाटा। कौन हो भाई? इतनी रात गए तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भैया जीप खराब हो गई हमारी, पिकनिक के लिए आए थे हम लोग। तो इसका मतलब पूरी रात यहीं बिताओगे? हाँ। दिमाग तो ठीक है तुम लोगों का? अरे क्यों? कमाल है, इस जगह के बारे में कहानियां नहीं सुनी तुमने? यहाँ रहना तुम लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है, एक दो अजीब अजीब से साए है यहाँ, ऊपर से जंगली जानवरों का डर। पर भाई हमारी गाड़ी पीछे खराब खड़ी है, अब हमें तो पूरी रात यहीं पर। बकवास, चलो मेरे साथ, गाड़ी वहीं छोड़ दो, तुम लोग मेरे साथ चलो, करीब में मेरा गांव सरसई है, वहीं जा रहा था, रात वहीं बिता लेना, सुबह मैकेनिक के साथ भेज दूंगा। सोचो मत, चलो मेरे साथ चलो, ये जगह तुम लोगों के लिए ठीक नहीं, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, चलो आओ आओ, चलो आओ चलो।
आरती कम ऑन, लोगों से कहो ना कि धीरे चले वरना हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। विजय, 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 स्लो डाउन यार। कम ऑन, क्या होगा? रश कर बहुत फास्ट यार। अरे भैया जरा धीरे चलो, वो लोग पीछे रह गए। चुपचाप चलते रहो। चलिए चलो हो रही है। एक कम ऑन फास्ट। काफी आगे निकल गए। रुक जा यार। आओ पीछे मत देखो, जल्दी चलो। वो लोग बहुत पीछे रह गए, कुछ करो, बोलो उसको। हाँ यहाँ से मिलो। विजय इंदर। अरे कहाँ गए? That's dead end. कमाल है, मैंने तो उन्हें यही टर्न करते हुए देखा था। हाँ यही देखा था। Damn those two idiots. मैंने कहा था धीरे चलने को, अब घुमा दिया ना हमें इस जंगल में। अब क्या करेंगे हम? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? ओहो, फिर से गिनना पड़ेगा। पर इतनी रात को इस जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो? मेरे बापू के साथ आता हूँ हर रोज, वो यहाँ लकड़ियाँ काटते हैं और मैं खेलता हूँ। आज मैं खेलते खेलते यहाँ तक पहुँच गया। तुम्हारा बापू गया कहाँ? वो तो मुझे बुलाते बुलाते वापस गाँव चले गए। मैं भी उनके साथ घर जाने वाला था। ओ, ये बच्चे तो। चल तुझे अपने गांव का पता मालूम है? हाँ। गुड, हम इसे भी साथ ले लेते हैं। इंद्र और विजय के पीछे पीछे हम भी गांव पहुंच जाएंगे। राइट। पर मैंने तो अभी खेलना है। चाचू, जंगली जानवरों से डर नहीं लगता तुझे? चल। यार, अरे कहाँ गए? अरे भैया रुको, लगता है वो लोग कहीं पीछे गुम हो गए। रुकने का वक्त नहीं है, सुबह होने वाली है। पर भैया हमें वापस जाना पड़ेगा। यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। कोई वापस नहीं जा सकता। वो क्या था? शायद कोई जंगली जानवर होगा। शायद। चलो जल्दी चलो। हाँ?
डालेगा तुम्हें निशा, होश में आओ। नहीं, मुझे यहाँ से लेके चलो, वो भी मार डालेंगे। हाँ यार, ये जगह सब कुछ हैवानों से भरी हुई है, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। फिक्र मत करो निशा, हम यहाँ से भाग जाएंगे। पर तुम लोग चले कहाँ गए थे? मत पूछो, वो आदमी जो हमारे साथ जा रहा था वो कुछ और ही निकला। मुझे नहीं लगता निशा कि आज रात हम यहाँ से निकल पाएंगे। हाँ, तुम नहीं जानती कि हम किस मौत से निकल कर आ रहे हैं। वो देखो क्या है ये? ये वही खड्डा है जिसमें हम उस आदमी के डर से भागते हुए गिर गए थे। पर वो आदमी कहाँ गया? चला गया, हमें यहीं इस खड्डे में जिंदा दफन करके चला गया वो। तो यहाँ से निकले कैसे? निकले? नहीं यार। हाँ? हम तो अभी भी वही हैं। हाँ? वो देखो, वो मेरा ही हाथ है ना? हाँ? वो मेरी घड़ी? चलो हमारे साथ। नहीं, कोई नहीं भाग सकता यहाँ से। तुम यहाँ से बच कर नहीं जा सकती। इस इलाके से बाहर निकलना नामुमकिन है, नामुमकिन है इस इलाके से बाहर निकलना। कौन हो तुम? इतनी रात को इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मुझे मेरे पति ने घर से निकाल दिया है। मैं अपनी माँ के घर वापस जा रही थी। कहाँ है तुम्हारी माँ का घर? वहां पास के गांव में। सुबह से पहले मुझे वहां पहुंचना है। अच्छा देखो, घबराओ मत,
मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। देखो मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूं, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं। वैसे भी इस जंगल में रात को बहुत खतरा होता है। आओ बैठो जीप में। शुक्रिया सर। कोई बात नहीं, आओ। मुझे भी साथ ले चलो। रुक जाओ बाबू, रुक जाओ। मुझे भी साथ ले चलो। रुक जाओ बाबू, रुक जाओ। उठो उठो, घबराओ मत, उठो, आओ 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 मेरे।
कौन कहेगा कि ये जंगल रात में एक नर्क बन जाता है। खैर हाईवे अब ज्यादा दूर नहीं, मैं जरा मंदिर में माथा टेक कर आता हूं।